दोस्तों अभी तक आपने मिनिमम बजट के ऊपर तो वॉल मिक्सचर और डाइवर्टर लगते हुए बहुत देखा है, तो आज की इस वीडियो में इसके अलावा आपके लिए क्या ऑप्शन रहेगा डाइवर्टर और दोस्तों ओपन वॉल मिक्सचर के अलावा इसके बारे में बताऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। यहाँ पे आप देख लीजिए कंसील मिक्सचर है जो कि दोस्तों इसको मैं फिट करने वाला हूँ और इसमें भी आपको गर्म ठंडा पानी मिलेगा और स्पॉट शावर के लिए। यहाँ पे आप देख लीजिए तो ये जो दोस्तों इसमें डिफरेंट क्या है दोस्तों, ये कंसील के अंदर रहेगा और आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और ये मिनिमम बजट के ऊपर, मतलब आप जैसे वॉल मिक्सचर और डाइवर्टर लगाने में खर्चा करते हो उससे भी कम बजट में हो जाएगा और बहुत ही शानदार काम रहेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें भी सिंपली जैसे आप डाइवर्टर में लगाते हो दोस्तों 4 MUT लगता है। यहाँ पे देख लीजिए मैं ब्रास का 4 CBBC का MUT लगा रहा हूँ और इसको मैं लगाकर आपको मेजरमेंट करके बताऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों कंसील मिक्सर का हॉट और कोल्ड वाटर का इनलेट सबसे पहले कनेक्शन कर लूँगा। यहाँ पे आप देख लीजिए टी से मैं इसको कनेक्ट करूँगा और यहाँ पे दोस्तों ये जो पूरा काम हो रहा है CBBC पाइप से मैं कर रहा हूँ क्योंकि गर्म पानी में कोई दिक्कत नहीं होगा और इसमें क्या CBBC पाइप गर्म और ठंडा दोनों पानी में आसानी से यूज हो सकता है, तो इसके लिए बेटर है आप CBBC से करो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इसको मैं नाप कर दोस्तों लगा देता हूँ इसका टुकड़ा जो भी लगता है और एल्बो को सीधा देख लूँगा यहाँ पर पाइप को घुसा कर। ये आप देख लीजिए एल्बो बिल्कुल भी टेढ़ा बाका नहीं होना चाहिए, नहीं तो मिक्सचर जो दोस्तों बाहर आ जाएगा कंसील मिक्सचर। और यहाँ पे एक नल का भी मैं पॉइंट रखूँगा दोस्तों स्पॉट के साथ साथ। तो अब इसको मैं मिक्सचर को बिठा लेता हूँ कंसील मिक्सचर को। अब मैं इसका इनलेट का कनेक्शन नाप लिया हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए कोल्ड वाटर का नहीं ठंडा पानी का कनेक्शन। तो इसको भी मैं सोल्यूशन देकर लगा देता हूँ और इसको पोस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे दोस्तों एल्बो के साथ मैं कनेक्ट कर लूँगा और इसको आपको सीधा देखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों बबल लेवल से बिठा कर। यहाँ पे आप देख लीजिए ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो इस टाइप से आपको लेवल देख लेना है क्योंकि अगर टेढ़ा होगा तो बहुत ही ख़राब दिखेगा। अब इसका मैं दोस्तों गर्म का इनलेट का कनेक्शन कर लूँगा। तो वहाँ पे इसको मैं नाप कर काट लिया हूँ दोस्तों गीजर का पॉइंट के लिए इनलेट और आउटलेट का जो पॉइंट होता है वहाँ पर। इसको मैं एल्बो देकर सीधा कर लेता हूँ ब्रास एल्बो के साथ में और यहाँ पर इलेक्ट्रिक गियर का पॉइंट होने वाला है। तो यहाँ पर कोल्ड वाटर और का इनलेट और हॉट वाटर का आउटलेट ये दोनों को आप देख लीजिए पॉइंट एल्बो में लगा दें और उसको भी मैं लेवल देख लिया हूँ यहाँ पर। अब इसको मैं नाप लेता हूँ दोस्तों ये जितना भी बड़ा टुकड़ा आता है और इसको मैं नाप कर काट लूँगा। और आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट में कर अपने आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए अब इसको मैं कनेक्ट कर दूँ और यहाँ पर कंसील मिक्सर के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। अब यह हो गया है हॉट और कोल्ड का कनेक्शन और इसमें यहाँ पर मजबूती के लिए दोस्तों सपोर्ट के लिए क्लैंप लगा देता हूँ। ये हो गया है, अब लेवल भी मैं आपको कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल लेवल है दोनों साइड। अब यहाँ पे दोस्तों स्पाउट और शावर को मैं कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे देख लीजिए स्पाउट जो है दोस्तों फ्लोरिंग का टॉप लेवल से यहाँ पे मैं 26 इंच में रखूँगा, आप 2 फीट से लेकर 30 इंच तक रख सकते हो आपका हाइट के हिसाब से। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको मैं नाप कर काट लिया और पॉइंट एल्बो में यहाँ पे पॉइंट एल्बो को लगा दिया, आप सोल्यूशन देकर यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए लग गया है स्पाउट और स्पाउट लगा कर मैं पॉइंट एल्बो को बिल्कुल सीधा कर दिया हूँ यहाँ पे। और अब मैं इसका शावर का पॉइंट कर लूँगा यहाँ पे देख लीजिए और इसको मैं नाप लेता हूँ। शावर का जो हाइट है दोस्तों ये 6.5 फीट से ज़्यादा आपको रखना है, यानी 6 फीट 6 इंच से आपको ज़्यादा रखना है, तो आप 7 फीट तक भी रख सकते हो। तो यहाँ पे इसमें दोस्तों सॉल्यूशन देकर इसको फिक्स कर देता हूँ और एल्बो को सीधा कर लूँगा। यहाँ पे आप देख लीजिए स्पाउट और ये जो दोस्तों नीचे का स्पाउट और ये कंसील मिक्सचर का ये सेंटर पॉइंट और ऊपर का शावर पॉइंट एल्बो ये तीनों बिल्कुल ओलम्बो में सीधा होना चाहिए। तो ये स्पाउट का पॉइंट एल्बो और शावर का पॉइंट एल्बो लगाने के बाद में दोस्तों आपको फाइनल देख लेना है यहाँ पर इसको ओलम्बो करके, तो बाद में अपर पार्ट लगेगा तो आपको अच्छा दिखेगा और थोड़ा सा भी गलती करते हो तो वहाँ पे अपर पार्ट टेढ़ा दिखेगा और आपको बहुत ही ख़राब दिखेगा, तो इसलिए आपको लेवल बिल्कुल अच्छे से करना है। और यहाँ पे स्पॉट के साथ साथ दोस्तों एक नल का भी पॉइंट का मैं रखा हूँ दोस्तों वहाँ से एमरजेंसी के लिए। और ये अपर पार्ट लगाने के बाद में कुछ इस टाइप से दिखेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए ये बहुत ही अच्छा दिखेगा और इसके तीनों हेड लग जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए दोनों साइड का जो दोस्तों गर्म ठंडा पानी ऑपरेट करने के लिए और बीच का शावर और स्पॉट के लिए। तो यहाँ पे पूरा काम हो गया है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों 1 इंच का मेन लाइन आया है बाहर से, तो आपको मेन लाइन जो दोस्तों हमेशा 1 इंच का लेना है कंसील वायरिंग के अंदर, प्रेशर अच्छा रहेगा और बाहर से 1.5 इंच का लाइन कनेक्ट होगा और उसके बाद में 1 इंच का लाइन, उसके बाद दोस्तों आपको जितना ब्रांच लाइन है जैसे मैं यहाँ पर ये आप देख लीजिए 1 इंच का मेन लाइन है और ये टी मार्कर यहाँ से दोस्तों प्लस वाल्व में पॉइंट आया है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये यहाँ पे सेरामिक ये फ्लैश बल्ब लगा है इंडियन टॉयलेट के साथ में, इसको मैं कनेक्ट किया हूँ और नीचे ठीक इसके नीचे ठीक इसका नल का पॉइंट है ये आप देख लीजिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आउटलेट यहाँ पे इंडियन टॉयलेट के साथ में कनेक्ट हुआ है और
यहाँ पे नल का जो पॉइंट दोस्तों फ्लोरिंग का टॉप लेवल से 1 फीट हाइट में है, सेंटर है इसका, और उसके ठीक 6 इंच ऊपर यानी 18 इंच में सेंटर में इसका प्लस का पॉइंट है, जो कि आप बैठकर आसानी से यूज कर सकते हो। और उसके बाद में जो ब्रांच लाइन है यहाँ पे देख लीजिए, मैं बोसिंग से मार कर यहाँ पे ये CPVC का किया हूँ कन्वर्ट करके यहाँ पे, और ये ठंडा पानी का कनेक्शन 1.5 इंच का मैं कंसील मिक्सर में किया हूँ। उसके बाद में दोस्तों ये गीजर का आउटलेट गर्म पानी के लिए कंसील मिक्सर में कनेक्ट हुआ है, और ये शावर का पॉइंट ओवरहेड शावर का, और यह नीचे दोस्तों स्पाउट का पॉइंट, और उसके बाद में ये वाला एक्स्ट्रा नल का पॉइंट। यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।